तो ये दोस्तों देखो इधर, सबसे पहली बात सभी लोग समझ लो, ये एक जो मशीन है इसे बबल रिमूवर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबल। ये मशीन क्या काम करती है? डिस्प्ले ग्लास जो होती है उसको पेस्टिंग करने का काम करती है। क्या काम करती है? पेस्टिंग। अगर उस पेस्टिंग को हम लोग वैसे तो मोस्टली हाथों से ही करते हैं, लेकिन जब हाथों से पेस्टिंग कर देते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं? बबल आ जाते हैं। तो उस बबल को इस मशीन के द्वारा निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी डिस्प्ले जो होती है बिल्कुल फ्रेश डिस्प्ले ऐसी निकलती है, बिल्कुल क्लीन डिस्प्ले होती है। हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर का जो ग्लास होता है वो समथिंग 40, 50, 60 रुपए का मिल जाता है विद ओसीए सहित। और हम लोग इसका रिपेयर करने का 400-500 रुपए लेते हैं। तो 400-500 रुपए हम इसी बात का पैसा लेते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद जो ग्लास ऊपर से रखेंगे नहीं, उसकी पेस्टिंग करनी होती है, वो पूरा प्रॉपर तरीके से चिपका करके तो हम देते हैं। आज इस मोबाइल फोन का ग्लास चेंज करने का 400-500 रुपए लिया जाता है, लेकिन अब जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं जिसके अंदर कर्व डिस्प्ले है, कर्व का मतलब समझ रहे हो, जो घूमी हुई डिस्प्ले है, उस घूमी हुई डिस्प्ले का जो पेस्टिंग करने का जो मार्केट में ग्लास चेंज करने का पैसा लिया जाता है वो 800 से 1000 रुपए तक लिया जाता है, और ये नॉर्मल का तो 300-400 रुपए तक लिया जाता है। अब चलो हम लोग मशीन को चलाना सीखेंगे, इस मशीन को यूज कैसे करेंगे। मशीन मार्केट में बहुत अलग अलग कंपनी की आती है, आप कोई भी मशीन ले लीजिए, सभी मशीन का काम करने का फॉर्मेट यही है कि उसके अंदर हवा बढ़ती है, अब उस हवा के माध्यम से वैक्यूम प्रेशर पैदा होता है, प्रेशर पैदा होने से डिस्प्ले टच आपस में चिपक जाती है। अब देखिए इस मशीन के साथ में एक पावर केबल निकलती है, और इसके अंदर एक छोटी सी एक केबल अलग से भी आती है। ये केबल इसलिए अलग से आती है, अगर कल को इसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है और तुम अगर अलग से अपना कंप्रेसर लगाना चाहते हो, अलग से कंप्रेसर यूज करना चाहते हो, तो आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे कंप्रेसर वैक्यूम के भी आते हैं, इसने अलग से इसलिए दे रखा है ताकि अगर अंदर का खराब हो जाए तो लोग बाहर से चला ले, मशीन बेकार ना जाए। ये देखिए ये नसान कंपनी की मशीन है, और इसका मॉडल नंबर है NAB2। ठीक है, अब सबसे पहली बात जिसकी पन्नी लगी होती है, इस पन्नी को हम लोग खोलेंगे। मशीन को कभी बंद करके कभी पन्नी के अंदर पैक आती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि हमेशा नई बनी रहे तो पन्नी में पैक करके रखें, क्योंकि हीटिंग हो जाएगी तो खराब हो जाती है। ये पन्नी वगैरह हम लोग क्या कर देते हैं, इसे निकाल देते हैं। ये काफी वेटेड मशीन होती है, और इस मशीन के अंदर सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे, ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर पावर कोड है कि जो जनरली आप पावर कोड को आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस पावर कोड को आप ऐसे खोलेंगे, इससे 250 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है, कोई अडेप्टर अडेप्टर पे नहीं चलती। आप इसमें सीधे पावर कोड को क्या कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। जब ऐसे पावर कोड लगा दिए, ऑन ऑफ का बटन है। इसमें से अगर देखेंगे तो इसमें से अलग से कंप्रेसर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें से लगा देते हैं। उसके लिए कंप्रेसर से अलग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सी बात है, ये कंप्रेसर का वायर को निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये वायर आता है, इसमें से एक वायर छोटा होता है, थोड़ा सा एक बड़ा होता है, जॉइंटर लगा हुआ है ना, एक मोटा और पतला, आप पतला हो तो डायरेक्ट लगा दीजिए। इसको सिर्फ सीधे आपको ऐसे दबाना होता है और डायरेक्ट ऐसे लगा देना होता है, जब आप लगा देंगे इसको खींचेंगे तो खींचेगा नहीं। उसके बाद इसको क्या करना होता है, इसे अपने कंप्रेसर के अंदर लगा देना होता है। अगर हम लोग कंप्रेसर में नहीं लगाना चाहते तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक जो हवा में पंचर भरने वाला नहीं आता जिसमें पाइप से हवा भरा जाता है, तो उससे भी अगर तुम इसमें हवा भर दोगे तब भी इसके अंदर हवा चली जाएगी। और बस ये ध्यान देना होता है, जब भी हम लोग काम्बो को पंचिंग करते हैं तो काम्बो को पंचिंग करते समय इसका जो वैक्यूम का जो प्रेशर होता है वो 80 से 90 होता है। कितना होता है? अगर आप 80-90 प्रेशर कहीं से भी दे देंगे तब भी हो जाएगा। 80-90 प्रेशर वही होता है जो हम लोग मोटरसाइकिल में हवा नहीं भराते, ये मोटरसाइकिल में जो पिछले वाले टायर में जब हवा भरी जाती है तो उसका होता है 35 से 40 का रेशियो होता है ना। अब पीछे का जो आगे का रेशियो होता है 30 से 35 का रेशियो होता है, उसी तरीके से इसके अंदर 80 से 90 का प्रेशर होता है। 80-90 प्रेशर में हमारा अंदर काम्बो होता है, और काम्बो को क्या करता है, अंदर के जितने भी सारे एयर होती है, बबल होती है, वो सारी बाहर निकल जाती है। अब देखिए मशीन चालू कैसे होती है, मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। ये तो मैंने पीछे वाला पार्ट बताया, अब देखिए मैं आगे वाला पार्ट बताता हूँ। आगे वाले पार्ट में क्या है, ये देखिए बंद करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से तो खुल जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। उसके बाद ये काम्बो रखने के लिए दिया हुआ है, एक रबड़ इसके साथ में एक्स्ट्रा आती है। देखो अगर आप अलग से वैक्यूम नहीं लगाएंगे तो पीछे से इसको बंद कर देंगे,
अगर पीछे से बंद नहीं करेंगे तो जो हवा इसके अंदर बनेगी वो बाहर को निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसको हमको बंद करना है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट कंप्रेसर ऑलरेडी पहले से ही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे बाहर कर देंगे और ये जो ढक्कन है इसमें से ऐसे लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, बंद हो गया। जो हवा अंदर बनेगी वो अंदर ही बनी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ये बाहर से आने की। अगर इसको नहीं बंद करोगे तो हवा फिर लीकेज हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको चालू करेंगे। चालू करने के लिए इस मशीन है, इसका पावर कोड को हम लोग पावर प्लग में लगा देंगे। इसको हटा देंगे, इसको पावर प्लग को हम लोग सीधे ऐसे लगा देंगे। जैसे पावर प्लग को लगा देंगे तो पावर प्लग के अंदर पीछे ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। देखिए जिस तरफ जीरो होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और ये जो जिस तरफ ऐसा लाइन बना होता है तो लाइन का मतलब होता है शॉर्ट होना, मतलब उसको आपस में ऑन होना। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए ऑन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये क्या है, ऑफ, ये क्या है, ऑन। जैसे ऑन हो जाएगी तो आप मशीन में देखेंगे यहाँ पर लाइट जल जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइट जल जाएगी। अब देखिए कोई लाइट नहीं है, ये लाइट जल गई। लाइट जलने से ये पता चलेगा कि मशीन ऑन है, लेकिन अभी भी ऑन नहीं है। जब तक आप इस ऑन ऑफ बटन को आप टच नहीं करोगे, ये पूरा जो पैनल बना हुआ है टच वाला पैनल है। कैसा है, टच वाला पैनल है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरफ का हिस्सा खोलना पड़ेगा। कोई भी मोबाइल फोन अगर आप रखना चाहो तो इसमें देखो इतना बड़ा मोबाइल फोन पूरा घुस जाता है ना। देखिए इससे भी बड़ा मोबाइल फोन है तब भी घुस जाएगा। देखिए एक मोबाइल फोन है, एक के अंदर एक मोबाइल फोन का स्पेस होता है कि पूरा एक मोबाइल फोन घुस जाता है, लेकिन काम्बो तो इतना मोटा थोड़ी ना होता है, काम्बो तो पतला ही होता है। एक मोबाइल फोन घुसने का इसके अंदर स्पेस होता है, दो भी घुस सकते हैं क्या, दिखाओ एक और फोन लाओ, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिना कवर के चला जाएगा। चलो एक चला गया, तो एक का मतलब एक या दो काम्बो इसके अंदर रख सकते हो। वैसे वन टाइम में एक ही एक काम्बो डाला जाता है। तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है टेक्नो वाला, ये अपनी तरह दुरुस्त मोबाइल फोन भी रखता है। देखो सबसे बड़ा मोबाइल फोन है टेक्नो का है, ये देखो इतना बड़ा मोबाइल फोन का आप ग्लास इसमें चेंज कर सकते हैं, जो 7 इंची का है, पूरा चला गया। इस प्लेट के अंदर हम लोग ऐसे रखते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब देखिए जैसे मुझे इसी मोबाइल फोन का ग्लास चेंज करना है, तो ग्लास चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे पूरा, ठीक है। अंदर पूरा डालने के बाद तुम्हारे मोबाइल फोन पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अंदर डालने के बाद हमने मशीन को क्या किया, ऑन किया। मशीन ऑन करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। जैसे आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसको क्या करना होता है, सेट करना होता है। पहले हम लोग मशीन को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। पता चला सेटिंग के चक्कर में इसकी सेटिंग खराब हो गई है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे आप डबल टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन होता है। यहाँ से टाइम भी दिया हुआ है कि आपको कितने टाइम में सेट करना है, 10, जैसे 10 पे सेट है, बीस तक जाएगा। हमने जैसे मान लिया 6 मिनट के लिए सेट कर दिया, तो टाइमर कितने देर के लिए गए, 6 मिनट के लिए हो गया। इसका देखो 30 टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, 30 टेम्परेचर पे आप सेट कर देंगे। यहाँ देखो टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन है, 45 टेम्परेचर तक ले जा सकते हैं। वैसे हम लोग 30 से लेकर 45 टेम्परेचर तक सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीटर लगा होता है वो गर्म करता है, गर्म करने से उसे ढीला होता है, और जब दबाव पड़ेगा तो सारा बबल इधर उधर निकल करके बाहर हो जाएगा, काम्बो भी चमकदार फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट पे प्रेस करेंगे तो एकदम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर हवा भर रही है, ये देखो मीटर बता रहा है, मीटर ये बता रहा है इसके अंदर कितना हवा जा रहा है। जैसे 80-90 तक हवा जाएगा तो मशीन अपने मन से बंद हो जाएगा। 80-90 तक हवा का मतलब होता है तुम मुंह से फूंक के भी हवा भर सकते हो, लेकिन मुंह से तुम फूंक के तुम 5 प्रेशर भी नहीं भर सकते, 90 की तो बात कर रहे हो। इसकी हवा का चक्कर मान में कहीं से और हवा निकल जाएगी, लेकिन इसमें 80-90 फिर भी नहीं भर पाएगा, ठीक। तो हमको इसमें कितना प्रेशर देना होता है, 80 से 90 प्रेशर देना होता है। जैसे 80-90 प्रेशर दे देंगे, 80-90 का मतलब होता है जो मोटरसाइकिल के अंदर 40 की हवा भरी होती ना, 40 की हवा में जब टायर फटता तो बहुत तेज आवाज होती है, और ये उससे दुगुना है, है ना, ये नहीं फटेगा, बहुत मोटा है। अब देखो यहाँ पर जैसे देखो टाइमर चल रहा है,
44 टेम्परेचर है, 5 मिनट तक का जो भी सेट है, 6 मिनट 7 मिनट जो भी सेट है, तो अपने मन से जाएगा और उतने टाइम के बाद ये मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और आप इसमें काम्बो डाल करके बस आप अपना कोई भी दूसरा काम करने लगिए, जैसे काम्बो 5 मिनट 6 मिनट जो भी आपने समय सेट किया है उस समय के दौरान अपने मन से ही इसकी आवाज निकल जाएगी और तुम्हारा टाइम हो जाएगा। कुछ मशीनें ऐसी भी आती हैं जो मैनुअल होती हैं, मेरी जैसे मशीन है वो पहले ऑटो वाली नहीं है, वो मैनुअल है, उसको 5 मिनट का चाहे 5 घंटे तक छोड़ दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम बंद करोगे तभी बंद होगी, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मशीनें आने लगी कि टाइमर लगा दिया है, ये टाइमर के हिसाब से बंद हो जाता है, और नहीं तो वो मैनुअली बीच कर सकते हो। अब इसको अगर तुम बीच में बंद करना चाहते हो तो इसको स्टॉप कर दोगे तो बीच में बंद हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि काम वो 5 मिनट में ही पंच हो, 3 मिनट में भी हो जाता, 2 मिनट में हो जाता, लेकिन फिर भी हम डबल टाइम इसलिए लेकर के चलते हैं। देखो 4 मिनट हो गए ना, हमने 6 मिनट पर सेट किया था, 6 5 4 3 2 ऐसे ही अपने मन से डाउन होता चला जाएगा, जैसे 0 1 पे आ जाएगा तो अपने मन से देखना हवा निकल जाएगी और मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और हमको ये भी पता चलेगा ऑटोमेटिक में, ये फायदा रहता है कि मान लो कोई काम करने पर लगे पड़े तो जब हवा निकल जाएगी 6 मिनट में खुद ही पता चल जाता है, और काम को निकालेंगे साफ सुफ करेंगे और मोबाइल फोन में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ये एक छोटी सी मशीन है, बबल रिमूवर के लिए अच्छी है। ज़्यादातर हमारी दुकान में 4 गिलास आते हैं, 5 गिलास आते हैं, 6 गिलास आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस मशीन से, इतना हमारा मशीन बढ़िया काम करती है। कल को इस मशीन एक ही रख सकते हैं ना फोल्डर? हाँ, एक ही फोल्डर रख सकते हैं। वैसे देखो जो फोन आते हैं वो एक दुकान में अगर आपके पास 10 मोबाइल फोन आ गए तो 10 मोबाइल फोन एक बार में थोड़ी ना काट डालोगे, रजनीकांत तो नहीं बन जाओगे कि तुरंत सट 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 करके काट डालोगे। और जो हमारा जो सेपरेटर होता है उसमें भी एक ही काम्बो रखा जाता है, तो एक काम्बो रखा, काट दिया, साफ कर दिया, मशीन में डाल दिया, फिर दूसरा काम्बो साफ किया, मशीन में डाल दिया, तो एक दिन के अंदर 3 4 5 काम्बो आते हैं, तो हम लोग इस पर काम अपना कर लेते हैं। और ये बहुत छोटी मशीन, जब से छोटी मशीन आ गई है तब से जो बड़ी बड़ी मशीनें आती थी 1 लाख, अभी मैं आपको बताऊं, एक लड़का था हमारा राजस्थान का, उसने से जाने किसने उस मतलब जब उसने बात किया दिल्ली कि हमको डिस्प्ले मशीन चाहिए उसी रिपेयरिंग करने के लिए, तो उसको वहाँ पर 1 लाख रुपए का मशीन दे दिया। 1 लाख रुपए तक का भी मशीन आता है, लेकिन जबकि अगर देखा जाए तो काम तुम्हारा 10 12 हज़ार रुपए की मशीन से भी काम अच्छा चल जाता है। तो पहले मशीनें आती थी उसको वही बड़ी मशीन दे दी, आज समझ लो उसी मशीन को लिए बैठा है और जितने में पूरा काम अपनी दुकान सजा लेता है, पूरा काम कर लेता है, आज वो मशीन ही खाली लिए बैठा है। तो लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि आपको पंचिंग जो होती है हाथ से करनी होती है, और वो पंचिंग करने के लिए आप क्लास में सीखते ही हो कि आप बिल्कुल पंचिंग को हाथ से करते हो। मशीन से पंचिंग करने में एक और नुकसान कि आपसे हो सकता है कि काम वो टूट भी सकता है, टूट जाता है ना, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो आप हाथों से पंचिंग करेंगे वो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद तोड़ोगे तभी टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। मशीन में क्या रहता है, कोई काम वो मोटा हो जाता है तो ऊपर आएगा, उतना ही दबाव देगा और चला जाएगा, लेकिन जो हाथ से पंचिंग होती है उसमें तुमको अपने हाथों के अनुसार दबाव देना होता है। देखो 2 मिनट का समय बता रहा ना इसमें से, समय कम होता जा रहा है, जैसे समय कम होता जाएगा और एयर पूरी रिलीज हो जाएगी, एयर रिलीज होने के बाद आपका मोबाइल फोन काम को निकाल सकते हो और मोबाइल फोन के अंदर डाल सकते हो। मान लिया कोई मोबाइल फोन है उसमें आपने पोलराइज फिल्म लगाई तो भी इसके अंदर डालना होता है, क्योंकि पोलराइज फिल्म अच्छे से पेस्टिंग हो जाती है, जो बबल होते हैं वो भी निकल जाती है। आपने चाहे टच डाला है, चाहे मोबाइल फोन के अंदर ग्लास डाला है, कुछ भी चीज डाला है, वो सभी चीजों को इसके माध्यम से पंच कर सकते हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है कि अगर हमको मोबाइल फोन में डिस्प्ले की रिपेयरिंग करना है तो डिस्प्ले रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास इस मशीन का होना बहुत जरूरी है। और अगर हमको लगता है कि आईसीओ का काम करना है और या डीप लेवल का काम करना है तो फिर हमारे लिए माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है। तो ये जो टूल्स होते हैं ये हमारे गैजेट्स हैं, और मुझे लगता है कि इस रिपेयरिंग के लाइन में सिर्फ 2 ही टूल्स सबसे महंगे आते हैं। एक तो ये डिस्प्ले का जो सेटअप आता है ये महंगा आता है, और इसके साथ में सेपरेटर आता है वो 2,250-2,250 रुपये का आता है, वो कोई महंगा नहीं होता, और बाकी कटिंग वाला तो 40-50 रुपये का, ग्लू रिमूवर 40-50 रुपये का है। सिर्फ डिस्प्ले के लिए एक महंगी मशीन आती है जो 9-10-12 हज़ार रुपये की आती है, और शायद 14-15 हज़ार रुपये तक का माइक्रोस्कोप भी आता है। तो ये 2 खर्चे इसमें सबसे महंगे होते हैं, बाकी सारे खर्चे तो इसे आधे से आधे में भी नहीं होते। 5,000 रुपये में सारा पूरा सेट, 10,000 में तो सारा सेटअप आ जाता है, लेकिन खाली 20,000-25,000 में खाली यही 2 आइटम आते हैं। सर जी, जैसे ये फोन है इसमें एयर है तो इसको अगर इसमें रखते हैं तो नहीं सही होगा? ये एयर नहीं, ये मिट्टी है, ये नहीं ऊपर से ऐसे नहीं, ये खुल गया जैसे काम को इंजन जाता है, ये काम नहीं है, ये बीच में अगर रख के देंगे तो ये एयर इसमें से निकल गए, जैसे टाइम हो गया तो एयर क्या हो गई, रिलीज हो गई।
जब एयर तुम्हारी रिलीज हो जाएगी तो एयर रिलीज होने के बाद आप क्या करोगे, गेट को खोल सकते हो, ठीक है। और फिर से दोबारा करना है, फिर से आप दोबारा इसको क्या करोगे, इसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो डबल वैक्यूम की मोटर लगी होती है, वो हवा भरती है। ये हमारी वो बंद हो गई, इसको इमरजेंसी स्टॉप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मशीन को हमको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। इस मशीन की मेंटेनेंस के लिए क्या है, इस मशीन को कभी मॉइस्चर की जगह बना रखें, स्वीडन की जगह बना रखें। दूसरी चीज़ क्या है, और बाकी मशीन में चूहे हुए काटने वाटने का कोई सिस्टम नहीं है, और इस टच पैनल जो है इसको कभी गीले हाथों से ना छुए। दूसरी बात का ये जो प्रोप है इसको हमेशा बंद करके रखना है। तीसरी चीज़ क्या है कि पावर का बहुत ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे यहाँ पावर कट 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 होता है, मतलब कम ज़्यादा होता है, तो मशीन को बंद कर दें, फिर आप यूज ना करें, वरना मशीन तुम्हारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। इसके अंदर भी कार्ड लगा होता है, ठीक है, वो जल जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की मशीन में हम लोगों ने नसान के बारे में देखा है कि नसान छोटी सी मशीन है, अच्छी काम करती है, और फिलहाल रिव्यू अच्छा है। जितने सारे बच्चों ने लिया हुआ है वो मशीन मतलब आज वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले टच रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आ रही है।